हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम लोग जा रहे हैं आज गोविंद सागर डैम। वंदना भी जा रही है, मैं भी जा रहा हूँ, और साला गोविंद मनु नॉट डैम मनु मनु भी जा रहा है। रिजर्वॉयर बाकी होने का डैम, या वही। और मौसम भी आज काफ़ी अच्छा हो रखा है, बारिश हो के चुकी है, अभी रात भर बारिश हुई थी वैसे तो। काफी सुंदर मौसम हो रहा है। तो गाइस, हमारी गाड़ी सिर्फ वहीं तक ही जा सकती थी। उसके बाद हाय डॉगी, उसके बाद ये सारा रास्ता कच्चा हो रखा है, ख़राब हो रखा है। अब वंदना कह रही है कि पैदल चलते हैं, तो हम यहाँ से शायद पैदल जाएंगे। थोड़ी सी दूर तक पैदल जाना ही पड़ेगा। दिख रहा है गाइस आपको पानी थोड़ा सा, यहाँ पे इधर भी है पानी, उधर भी है पानी। ऐसे वैसे वंदा ने बोला है कि ये 10 साल पहले आई थी तो ये पानी यहाँ तक भरा हुआ था। वो मैं पुरानी बात बता रही हूँ, आए तो हम अभी कुछ टाइम पहले भी थे, बट आज से 10 साल पहले ये पानी यहाँ जो पहाड़ है ना, सारे पानी के अंदर थे। हेलो, कुछ भी बोलती है ये। तो गाइस, यहाँ पे बोटिंग भी होती है, इधर बोट्स हैं। हालांकि मुझे पानी से डर लगता है, तो वैसे स्विमिंग आती है बट पानी से थोड़ा डर लगता है, तो इसलिए हम लोग बोटिंग नहीं कर रहे हैं। और व्यू तो बहुत ही सुंदर है यहाँ से। ये मनु, वंदना और हमारा छोटा सा डॉगी रास्ते में मिल गया है हमें। हाँ, सो गाइस देख लो आप, गोविंद सागर रिजर्वॉयर ऊपर बारिश होने ही वाली है, और हमें यहाँ से जल्दी भी निकलना है, बारिश हो जाएगी वरना भीग जाएंगे। हाँ, सामने बादल है, नीचे उधर पानी है। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से। और ऐसा हमारा मनु और वंदना का कहना है कि पानी यहाँ तक होता है, जो कि अभी है नहीं, खत्म हो चुका यहां है। यहाँ तक था पानी पहले। हाँ, 10 साल पहले। तो गाइस, हम लोगों ने डैम के अंदर बहुत सारी फोटोज़ क्लिक करवाई हैं, अच्छी अच्छी। अब हम जा रहे हैं वापस जहाँ पे गाड़ी खड़ी करी थी। काफ़ी अच्छी वीडियोज़ और फोटोज़ आई हैं, इंस्टा पे हम डालेंगे, आप वहाँ पे हम फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। बाय बाय।